बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देश टेस्ट माता की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने SST जनरल का जो पेपर शुरू किया था उसका पार्ट 5 अपलोड कर लेते हैं। 4 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। ये पेपर ईटा के जरिए 20 मार्च यानी कल ये पेपर हो चुका है एक्सपाटा एरियाज में। तो आज इसका पार्ट 5 पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 74 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास के इन विच लैंग्वेज शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान। शाह वलीउल्लाह ने कुरान मजीद का तर्जुमा पारसी में किया था, पर्शियन। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 75 ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वन्स ओन बिहेवियर बाय लुकिंग इनवर्ड इज नोन एज द मेथड ऑफ व्हाट इज नोन एज द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 देखे, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सिस्टमेटिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स इमर्ज ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 77 देखे दोस्तों, It is foolish to establish traditions। ट्रेडिशन रिवायात को कहते हैं, रिवाज को कहते हैं। कहते कि ये एक बेवकूफाना हरकत होगा कि ऐसी रिवायत कायम की जाए। कैसी रिवायत? अब idioms दिए गए, inflict on के माने to oppose something। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी जो है ना, नॉक द बॉटम आउट ऑफ, नॉट नॉक द बॉटम आउट ऑफ, इसकी मानी है डिमेज समथिंग सीवियरली, किसी भी चीज को इंतहाई हद तक उसको डैमेज करना। ऑप्शन सी जो है ना, फ्लाई इन द फेस ऑफ, इसकी मानी भी अपोज है। और आखिरी ऑप्शन डी जो है, लॉक स्टॉक एंड बैरल एवरीथिंग, इसके मानी है सब कुछ। तो आई थिंक मेरे ख्याल के मुताबिक ऑप्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 देखे, शाइलॉक द ज्यू वाज अ कैरेक्टर इन द प्ले। शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें ये इसका कैरेक्टर है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इसमें वो प्ले जो है उसका नाम द मर्चेंट्स ऑफ वीनस। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट डू यू मीन बाय इमेजरी। इमेजरी इट इज अ लैंग्वेज परसीव थ्रू सेंसेस। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 80 देखे, 80 नंबर, विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब इसमें देखिए, रोमांटिक पीरियड जो है ना, जो रोमांटिक पीरियड ये 1785 से 1832 48 साल बनते हैं इसके। कितने बनते हैं? 48 ईयर्स इसके, 47 या 48 बनते हैं। और दूसरा जो है विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज 1832 से 901 तक, ये 69 ईयर बनते हैं इसके, इसके बनते हैं 69 ईयर। और रिस्टोरेशन पीरियड जो है, ये 1945 से अभी तक जारी है, तो ये तो सबसे लेंथी हो गया। और रिनेसेंस पीरियड जो है, ये 1500 से 1660 तक, तो 160 बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, रोमांटिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 नंबर, शी वेंट होम एंड सेट ऑन सोफा। अब नीचे जो दिए गए
इसको करेक्ट ऑर्डर में फिल करना है, किस तरह सोफा में बैठी, कंफर्टेबल, हार्डवुड, और ये तो गलत हो गया, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देखे, हर वुडन कंफर्टेबल ओल्ड, ये भी गलत है, इस तरह भी नहीं आ सकता। और सी देखे, हर ओल्ड कंफर्टेबल वुडन, ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहां पर देखिए, हर ओल्ड हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन सोफा, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 82 देखे, आई वुड रिलैक्स द रूल इफ आई वर द हेड ऑफ दैट कंपनी। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो है, कहते हैं ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस नंबर टू, कंडीशन टू है ये। 83 देखे, आई हैव स्टिल फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प। आई हैव स्टिल अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू के माने अब भी कुछ है, कुछ फ्रेंड अब भी मेरे हैं जो मेरे पास कर सकते हैं। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, 84 देखें दोस्तों, ही सेड टू हर विच बुक्स डिड यू बाय फ्रॉम दिस शॉप। तो दिस याद रखिए, दिस विल बी चेंज टू डेट। तो इसमें देखिए जरा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी देखें, ही आस्क्ड हर विच बुक शी हैड बॉट फ्रॉम डेट शॉप, ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 85 देखे, हिज इंडिवर्स फ्रूट पिल, इंडिवर्स के माने सख्त मेहनत, उसने जो सख्त मेहनत की है उसका नतीजा अच्छा निकला। तो कहते द वर्ल्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, फ्रूटफुल के माने, और ऑप्शन डी देखे, फ्यूटाइल बेकार, ये उसके अपोजिट है। 84 नंबर, 86 देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, फ्रॉम विच पोइम दिस लाइन हैज बीन टेकन, ये किस पोइम से लिए गए हैं। तो दिस इज ऑप्शन सी, ओजुमिंडाइज कुछ इस तरह का नाम है, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, माय टीचर हैज आईज इन द बैक ऑफ हर हेड, आईज इन द बैक ऑफ हर हेड, इसके माने हैं कि वो हर चीज, यानी वो पढ़ाती भी है लेकिन क्लास के पूरे माहौल हर स्टूडेंट के सकनात और हरकत को देखती है। तो द गिवन एग्जांपल, ये जो है ना, ये एडियम है दोस्तों, आईज इन द बैक, तो ये बैकअप हेड, ये क्या है, ये ईडीएम है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 88 नंबर देखिए, 88 नंबर, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज है, ये कुरान पाक की किस सूरा में है। अब यहां देखिए, इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें कोई सूरा, क्योंकि ये अल्पास सूरह असरा 15 नंबर पारे में है, तो शायद इसमें मिस्टेक हो गई हो, एनी हाउ आप लोग खुद भी चेक कर ले थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, अली वेट इज 25 pounds मोर देन अक्रम, इफ टूगेदर दे वेट 205 pounds, व्हाट इज द वेट ऑफ अली। तो अली का वेट होगा 115 और अक्रम का वेट होगा 90। अब इनको जमा करें तो 205 बनेगा और ये दूसरा उससे 25 ज्यादा है। 90 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, चार बटन नौ अपना नंबर इज 12, तो वो नंबर क्या है, नंबर परस्पर x है, तो ये चार बटन नौ को आपने क्या करना है, x से जरब देना है, इसको
एक्स से जरब देना है और मल्टीप्लाई का इक्वल टू 12। अब 9 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करो तो ये 4x आ जाएगा और 12 नमी 108 आ जाएगा, 108। अब 108 तकसीम 4, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 108 को 4 पे तकसीम करना है तो 27 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बिली रोबिन इज अ येलो कंपाउंड दैट अकर्स इन द नॉर्मल कैटाबॉलिक पाथवे, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ अ रेड ब्लड सेल। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। और 92, द वर्ल्ड रीनल इज यूज फॉर किडनीज, ये किडनीज के लिए इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 6-7 एमसीक्यूज रह गए, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ क्योंकि अभी उसको मैंने स्टडी किया नहीं। तो आज के लिए इतना काफी है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए, लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।